सुंदर से जहां पर गणेश चतुर्थी का पर्व 31 अगस्त को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी को लेकर बाजारों में भगवान गणेश की मूर्तियां सजनी शुरू हो गई हैं। मनमोहक व आकर्षक डिजाइनों की ये मूर्तियां भगवान गणेश के भक्तों को खूब लुभा रही है। इस बार नंदी पर विराजमान गणेश की मूर्ति बाजारों में खूब पसंद की जा रही है। गणेश चतुर्थी मूल रूप से महाराष्ट्र का त्योहार है, पर राजस्थान में भी लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाने लगे। इस पर्व पर लोग गणेश की मूर्ति की स्थापना अपने घरों में करते हैं। 10 दिन तक गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वर्ष भी बढ़िया थी, पिछले वर्ष भी बढ़िया थी। महाराष्ट्र के तर्ज पे, गुजरात के तर्ज पे क्या होता है, राजस्थान में हर घर में गणेश स्थापना करने लगे। अब 31 तारीख की गणेश चतुर्थी है, उस दिन से मूर्तियाँ स्थापना होगी। और जैसे महाराष्ट्र में हर घर में बैठते, वैसे राजस्थान में हर घर में बैठने लग गई कोरोना काल के बाद में, कि लोग भीड़ में जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हर घर में मूर्ति स्थापना करते हैं और मूर्तियों की अच्छी बिक्री होगी इस वर्ष। कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक? हमारे पास 100 रुपए से लेके 2100 रुपए तक की मूर्तियां हैं। खबर दौसा से है, जहां पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस व राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक महाकुंभ का उद्घाटन किया गया। प्रदेश के लगभग सभी गांव में खेलों के इस महाकुंभ की तैयारियां जोरों से चल रही थी। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व युवाओं की टीमें अपने अपने खेल का अभ्यास करने में जुटी हुई है। सरकार ने ग्रामीण ओलंपिक में भाग लेने के लिए किसी तरह की उम्र तय नहीं की है। ऐसे में खेलों के सभी आयोजन में सभी लोग भाग ले रहे हैं। वहीं सिकंदरा के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के खेल मैदान में कांग्रेस के युवा नेता चंचल कसाना ने कार्यक्रम के शुभारंभ की घोषणा की। दौरान प्रिंसिपल मुकेश शर्मा गर्ल्स स्कूल से प्रिंसिपल कमला शर्मा, पटवारी गौरव मीना, मनोज जैन सहित संपूर्ण विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। 2022 के उद्घाटन की घोषणा करता।